लास्ट डे को मैं जारमाइन को कुछ भी करके पुलिस के हाथों से बचा के मास्टरसन स्ट्रीट पर लेकर जाती हूँ सेफली, और उसके बाद मैं रोमैन को सारी चीजों को बताती हूँ। और तभी आता है मुझे व्लैड का कॉल, और वो मुझे बताता है कि तुम अभी के अभी मेरे साथ मिलो। तो अभी मैं जा रही हूँ उसके साथ मिलने, तो उसके बाद मैं आ गई थी ब्लड से मिलने के लिए। तो अभी पता नहीं वो किस कारण मुझे बुलाया है, मारने के लिए या सच में मेरे को कुछ काम देने के लिए। तो होला डियर्स गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? मैं अलिका आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ GTA 4। तो अभी मुझे ब्लड बताता है कि एक बुढ़ा आदमी है जिसने ब्लड से बहुत दिन पहले बहुत सारे पैसे उधार लिया था, बट अभी तक वो उसका पैसा वापस नहीं कर रहा है। उसका शॉप अच्छे तरीके से चल रहा है, फिर भी वो ब्लड के पैसा वापस नहीं कर रहा है। तो अभी ब्लड मुझे बोल रहा है कि तुम उधर जाओ उसके शॉप में, उसके बाद तुम उस बुढ़े आदमी से पैसा वापस लेके, पैसा निकाल के मुझे वापस दो। तो अभी तो मैं जा रही हूँ उस बुढ़े आदमी के शॉप में। मुझे नहीं पता कि उसका शॉप किधर है और वो कैसा है, उसके साथ कितने बंदे होंगे, क्या कुछ भी नहीं पता, कितना सच है कितना झूठ वो भी नहीं पता। तो चलते हैं पहले शॉप में, फिर देखेंगे कि उधर पे क्या होता है। तो फाइन, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ उस शॉप के सामने बिल्कुल। अभी गाड़ी को थोड़ा बहुत पार्क कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई। अभी देखते हैं कि कौन है वो बुढ़ा आदमी जिसने ब्लड से पैसा लिया और अभी भी वापस नहीं कर रहा है। तो जैसे कि मैं अभी पहुंच चुकी हूँ JJ चाइना लिमिटेड, जहाँ पे ब्लड ने मुझे बोला था कि इधर ही आने के लिए, और यही है बूढ़ा संकी जिसके पास से मुझे पैसा वापस लेना है। तो जैसे ही मैं बात करती हूँ तो ये देखो, ये तो उल्टा मेरे ऊपर ही चिल्ला रहा है। ओके, ये बूढ़ा के हड्डी में जोन नहीं है, फिर भी ये सोच रहा है। ओह शिट यार, ये तो उल्टा बोल रहा है कि इसे पैसा नहीं देना है, कुछ भी कर लो। सेकंड में इसको तोड़ने की एक बार कोशिश करती हूँ। ओ भाई साहब, मेरे ही हाथ में लग गई यार, ये तो टूट नहीं रही है, कुछ दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं इसे तोड़ सकती हूँ। एक सेकंड कहीं पे, इधर आसपास तो कुछ भी नहीं देख रही है भाई, किससे तोड़ू मैं? एक सेकंड, एक गाड़ी को मैं ले लेती हूँ, फिर जाती हूँ कोई लेन वगैरह अगर मिल जाए उधर से, मुझे कुछ चीज चाहिए। तो अभी चलो इसको लेके चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगर कुछ चीज मिले मुझे। तो इधर पे कुछ दिख रही है मुझे, ये कुछ बार टाइप्स की तो है, पता नहीं है क्या है। तो इधर पे कुछ कचरा वगैरह दिख रहा है, इधर से मुझे अगर कुछ चीजें मिल जाए उसको तोड़ने के लिए तो अच्छी बात होगी। बहुत सारे डस्टबिन है इधर पे, एक सेकेंड, बहुत सारी चीजें फेंका हुआ है। इधर से मैं कुछ एक टुकड़ा वकड़ा उठा लेती हूँ। ओके, तो फाइनली मैंने एक ब्रिक का टुकड़ा उठा लिया इधर से। अब रुको, जरा दौड़ दौड़ के चलते हैं और उसके दुकान को हम तोड़ने की एक बार कोशिश करते हैं। तो फाइनली इसके दुकान के सामने तो आ गए। अभी रुको, दिखाती हूँ उसको। वो भाई साहब सही है, अभी ये बूढ़ा मेरे पास आके माफी माफी मांग रहा है। I thought Vlad and I had understanding. ओ भाई, अगर तुझे पहले ही पैसा देना था तो पहले ही दे देता, पहले इतना नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। तो चलो, ये बूढ़ा तो अभी मेरे को पैसा दे दिया पूरा का पूरा, अभी मुझे ब्लड के पास जा। तो चलो, अभी तो मुझे ये गाड़ी मिल चुकी है, अभी इसको लेके हम चलेंगे ब्लड के पास, उसको पैसा भी दे देंगे, वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। हट जाओ हट जाओ। तो उसको तो देने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, मतलब खुश होना ही है, इतने दिनों से वो पैसा मांग रहा है, बट ये बूढ़ा तो उसको दे नहीं रहा था। अभी मेरे थोड़ा सा डराने से कारण वो तो अभी मान गया और मुझे पैसा दे दिया। अभी ब्लड के पास चलते हैं और उसको पैसा देने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी मैं तो ब्लड के पास पहुंच जाती हूँ और उसको सारे चीजों को बताती हूँ कि उसने तुम्हारा पैसा दे दिया, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं हुआ, और मैं क्या अभी जा सकता हूँ, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया मैंने इधर पे। तो वो क्या बोलता है, आप लोग खुद के खानों से ही सुन लो। ओके फाइन, तो अभी मुझे इस काम के लिए $50 मिल चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी चलो थोड़ा बहुत खाना वाना खा लेते हैं। तो अभी मैं आ चुकी थी खाना खाने के लिए, खाना खा भी लिया, और देखो किसका मैसेज आया है, ब्लड का मैसेज आया है, फिर से बोल रहा है उसके पास कुछ काम है, तुम जल्दी से जल्दी आओ और मुझसे मिलो। तो अभी चलो चलते उसके पास, और चलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या काम रखा हुआ है उसने, फिर से किसी को मारने या फिर धमकाने का ही बात देगा, कुछ काम देगा पता नहीं। तो चलते उसके पास और देखते क्या काम रखा हुआ है उसने।
तो चलो गाइस, फाइनली मैं तो व्लैड के पास पहुंच गई हूँ। बट अंदर आते ही देखो इधर पे क्या हो रहा है। ये बंदा अलग ही झमेला किए जा रहा है कि इधर पे स्मोक होगा। बार पे स्मोकिंग करना इज अ क्राइम। और ये क्यों मैलरी से हमेशा कॉल पे बात करता रहता है ये तो मुझे नहीं पता। पता नहीं इसके साथ मैलरी का क्या चल रहा है। बाकी मैं इसको बोलती हूँ मैलरी से दूर रहना तू। फाइन, तो अभी इसके साथ तो मेरा बात हो चुका है। और इसका बेबी है, देखो ये पगला है, पूरा पगला है। देखो ये बंदा उसे बोल रहा है स्मोकिंग करना नहीं है इधर पे, बट ये तो अलग ही चढ़ा हो गया। तो चलो ओ भाई, तो अभी चलो इससे तो बात हो गया। अभी अभी चलते उस लैंड्रो मैट पे, उस दुकान पे। आई थिंक उस दुकान पे जो ओनर है ना, उसने ब्लड के पास से कुछ पैसा उधार लिया था। तो अभी उसके पास से वो पैसा मुझे वापस लाना है और ब्लड को एज यूजुअली वापस देना है। तो अभी चलते हैं उसके पास, और जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो रेडी होता है या फिर नहीं ब्लड को पैसा देने के लिए। तो फाइनली चलो मैं तो पहुंच चुकी हूँ वहाँ। अभी चलो, दुकान तो बहुत ही छोटी दिख रही है। एक सेकेंड, अच्छा तो वो यही दुकान है ना, देखो दुकान कितना छोटी है। अभी चलो चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि कौन सा आदमी है जिसने पैसा लेके अभी तक वापस नहीं दिया है। ओके, तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ दुकान के अंदर। जैसे ही बोलती हूँ कि ब्लड ने मुझे भेजा है। ओ शिट, ओए ओए ओए, ओ भाई साहब ये तो अलग ही पागल है यार। इधर एक बुढ़ी खड़ी है यार, सारे बूढ़े आदमी बूढ़े लोग ही क्या लेते हैं इससे, सारे बुढ़े बुढ़े आदमी लोग। भाई 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 भाग रहा है, इसके पास अलग ही कार है भाई, भाग रहा है। शिट शिट शिट, मुझे इसका कार लेना होगा। तो चलो फाइनली कार तो अभी खुल चुका है, अभी फटाफट से इस कार को लेते हैं और उस शॉपकीपर को चेस करना पड़ेगा। पता नहीं वो कितना दूर भाग गया है। अभी कहाँ चला गया यार, कितना दूर चला गया, अभी मैं इसको कैसे पकड़ू। ओ शिट यार, कहाँ चला गया है, आई थिंक लेफ्ट में गया होगा है ना। ओ यार ये तो अलग ही नशा है इस गाड़ी का, आई थिंक मेरे को ही चलाना नहीं आता है ना। तो चलो सामने चलते हैं, दौड़ लगाते हैं, आई मीन सॉरी सॉरी सॉरी, सामने चलते हैं और फटाफट से उसके पीछे चेस करते हैं उसको। उसको तो पकड़ना ही है, नहीं तो भाई ब्लड से अच्छा खासा मुझे सुनने को मिलेगा कि तुमको इतना काम नहीं आया, एक बूढ़े आदमी से तुम हार के आ चुके हो। ये मुझे नहीं सुनना, तो उसको ढूंढते है भाई साहब कहाँ चला गया वो। आई थिंक सामने की तरफ जाने के बाद राइट पे, अच्छा लेफ्ट पे चला गया अभी। भाई ये बुढ़ा बहुत तेज है और वो इतना बड़ा कार लेके जा रहा है और मैं इतना छोटा कार लेके भी मैं उसके पीछे भगा नहीं पा रही हूँ, क्या ही शर्मनाक। चलो 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 भाई, उतर उतर तू उतर बुढ़े। भाई भाव तक नहीं दे रहा है, ये तो अलग ही भाग रहा है फिर से। मतलब मैं क्या इसके पीछे दौड़ती रहूँ कंटिन्यू, कब रुकेगा ये बुढ़ा, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। भाई 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 सा, नहीं 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 चलो फाइनली ये तो खड़ा हो गया। भाई भाई कैसे पलटा कार भाई इधर पे, फिर भी चलो भाई। रुको, तेरे को धक्का लगाती है उसको अगर रुक जाए तो। रुक जा बुढ़े, भाई पुलिस है यार, अभी तो इधर पे ऐसे प्रिटेंड करना पड़ेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तो धीरे धीरे कार को घुमाते, शिट शिट शिट, धीरे धीरे कार को घुमाते है। पुलिस लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि इधर पे क्या हो रहा है, नहीं तो बहुत पीटेगा यार इधर पे। कहाँ चला गया वो जा रहा है ये बुढ़ा, उसके पीछे पता नहीं यार कहाँ पे लेके जा रहा है ये बुढ़ा मेरे को, कितना दूर दौड़ कर आएगा यार। ओ भाई साहब ये कोई पार्क की तरफ लेके जा रहा है मेरे को जो लग रही है अभी। तो फटाफट से इसके पीछे चलते हैं और कोशिश करते हैं इसको ओवरटेक करने की। रुको, इसको धक्का लगाती हूँ सही से। अरे इसको उल्टा भी नहीं पा रही हूँ यार, पलट तो क्यों नहीं है यार, इसको इतना धक्का लगा रही हूँ फिर भी नहीं पलट रही है इसका कार। ऊपर से इतना अच्छा ड्राइविंग कर रहा है भाई साहब ये बुड्ढा की क्या ही बताए, मेरा तो इधर में हालत खराब हो चुकी है यार इसके पीछे जाते जाते। ओह शिट यार, भाई 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 नहीं नहीं नहीं, देखो इसने राइट टर्न ले लिया और मैं पागल हूँ यार, मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये अभी राइट टर्न लेने वाला है। तो चलो अभी शायद, ओ भाई साहब लेफ्ट टर्न ले लिया, सोचा राइट लेगा बट ये ले लिया इस बार लेफ्ट। तो चलो फिर से मैं इसको ओवरटेक करने की कोशिश करती हूँ, और अगर मैं इसका गाड़ी को एक बार धक्का लगा के पलट दिया तो फिर मेरे लिए बहुत आसान होगा। आई विश कि इस बार कर लूँ यार, उठा भी दिया मैं फिर भी ये चला जा रहा है, मैं कैसे रोकूँ इसको। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रही है कि इसको कैसे रोकूँ, ये कितना तेज चला रही है। रुको अब धक्का लगाती हूँ, चलो गैस फाइनली ये तो रुक गया। अभी मैं इसको धमका रही हूँ, एक सेकेंड रुको पूरा धमका लेती हूँ। अच्छा ओके,
ओके फाइन, तो अभी इस बुड्ढे से मेरा बात हो चुका है और ये बुड्ढा बहुत डर गया है और ये मुझे बोल रहा है कि मैं बहुत जल्द व्लाड के पैसा वापस दे दूंगा, मैं और उसको घुमाऊंगा नहीं और सारे पैसे मैं उसका वापस दे दूंगा। तो अच्छी बात है, चलो ये भी डर गया फाइनली और ये भी पैसा दे देगा, इसका वादा भी कर दिया। अभी मैंने उसको धमकी भी दे दिया कि अगर तुमने वापस नहीं किया तो व्लाड तुम्हें बहुत ज्यादा पछताएगा, ये मैं बता दे रही हूं। अभी ये बुड्ढा तो चला गया, अभी मेरा गाड़ी का हालत देखो क्या हो चुका है। अभी मुझे इधर पे एक गाड़ी भी चाहिए, उससे पहले मैं व्लाड को कॉल करके सारी चीजों को बता देती हूँ। एक सेकंड। फाइनली व्लाड तो कॉल उठा चुका है और उसके साथ बात मेरा हो चुका है। मैं सारी चीजों को बता देती हूँ और बोलती हूँ कि वो लॉन्ड्री मैन अभी तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस दे देगा और उसके लिए तुम चिंता मत करो, अभी वो कोई दिक्कत नहीं करेगा, यही बताया उसने। अभी इधर पे मुझे तो एक कार चाहिए, तू निकल बेटा, अभी फटाफट से निकल भाई, तेरा टकला बाप है क्या क्या है पता नहीं, अंकल है कोई भी है, उसको बोल भाई निकल जाने के लिए। भाई ये तो बुड्ढा निकल क्यों नहीं आ रहा है यार, बुड्ढे लोग क्या ही आज सारे दिन बुड्ढा बुड्ढा बुड्ढा। मतलब ये भाई निकल यार टकले, भाई क्या कर रहा है, निकल ये पागल भाई क्या, मतलब सारे बुड्ढे पागल हो गए आज इधर पे। तो चलो अभी तो चलते हैं हम, अभी रोमैन का थोड़ा कॉल, अच्छा रोमैन का कॉल आ रहा है, एक सेकंड बात कर लेती हूँ यार उससे। ओके, तो वो मुझे अभी बोल रहा है कि उसके साथ निकलने के लिए खाना वाना खाने जाना है उसको, तो क्योंकि लास्ट डे को मैंने तो उसके साथ प्लान बनाया था बट वो नहीं पाया क्योंकि उसका एक कस्टमर को मुझे छोड़ने भी जाना था उस दिन, तो हो नहीं पाया था। तो आज मैं उसको लेके ही जाऊंगी, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि कहाँ लेके जाऊं मैं रोमैन को इस बार। अभी मैं जाती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी लोग बहुत खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा, टाटा एंड टेक केयर।